बनाएंगे हम आम की चटपटी, खट्टी मीठी आम बर्फी। आम को छीलेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए आम के पीसेस को भी हम ग्राइंडर में डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच भर के चीनी, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। और इस पेस्ट को हम एक मोटी छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि कोई पीस अगर नहीं पिस पाया है तो उसको हम निकाल देंगे। कढ़ाई में इस पेस्ट को डालकर गैस को ऑन करेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी। याद रखिए, क्योंकि थोड़ी चीनी आप पीसते समय भी डाल चुके हैं। साथ में डलेगा मसाले वाला नमक, जिसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, जीरा और काली मिर्ची का पाउडर है। साथ में डलेगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची यानी कि चिली फ्लेक्स। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और करीब 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। देशी घी से ग्रीस की हुई थाली या प्लेट में हम इसको स्प्रेड करेंगे और करीब 2 दिन तक छाया में सूखने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। हम इसको बड़े अच्छे सधे हुए हाथों से इसको निकालेंगे और कट करेंगे। ये देखिए हमारी चटपटी स्वादिष्ट खट्टी मीठी आम बर्फी तैयार है। कैसी लगी आपको? आप भी ट्राई करिए और टेस्ट करिए।